आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ ऐसा है कि आज हम हमारे एक खेत में गायों के लिए जो चारा डाला था, जुआर जिसको बोलते हैं, वो पूरी हाथों से निकाल दी और अभी इसको ट्रैक्टर के जरिए उठाने आए हैं। तो अभी थोड़ा ट्रैक्टर का काम चल रहा है और अभी ये सब जुआर पड़ी है, आप देख रहे हैं, वो सब हम अभी इसको उठा के ट्रैक्टर में डालेंगे। अब देख रहे हैं, अभी ट्रैक्टर लगा रखा है। ये देखिए, ये है जुआर गायों के लिए। और ये पूरा ट्रैक्टर अभी भरने का बाकी है, पूरा ट्रैक्टर हम आज भरेंगे और इसमें हमारी जो गौशाला है वहाँ उसको ले जाएंगे गायों के लिए। और अभी ये ट्रैक्टर भरने का काम चालू है। और इस तरफ दूसरे कोई खेत है जिसमें कुछ फसलें लगा रखी है, मेरे ख्याल से इसमें गेहूं लगा रखे है। और हम ये जुआर उठा, और अभी ये इतना ट्रैक्टर भर गया है। इस साल थोड़ी बारिश की वजह से ये अपना जुआर का चारा वो भी कम हुआ है। और अभी ये प्रेम भाई ट्रैक्टर लेके आगे जा रहे हैं, आगे थोड़ा है उसको ले लेते हैं। और दूसरा एक आपको नई चीज़ बताता हूँ, ये है यहाँ का पंछी जिसको गुजराती में बगला बोलते हैं, जो कहीं से भी कहीं पे भी पहुँच जाते हैं। इसका काम है छोटे छोटे जीवों को खाना, मतलब वो जो छोटे छोटे जीव रहते हैं ज़मीन में निकलते हैं, सब वो लोग खाते हैं। आपके वहाँ इस पंछी को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि वहाँ उसका नाम क्या है। अभी ये बहुत संख्या में ये लोग आ गए हैं और अभी ट्रैक्टर थोड़ा आगे लेके रखा है, आगे भी ये पूरा चारा पड़ा है उसको हम अभी भरते हैं। और इस तरह से हमने जो अभी पूरी गायों के लिए जुआर थी वो सब ट्रैक्टर में डाल दिए। और सामने आप देख रहे जो पीले पीले लहरा रहे हैं, वो मस्टर्ड के खेत है बस हमारी बाजू में है। और ये सब आप देख रहे हैं पंछी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके वहाँ इसको क्या भाषा में क्या बोलते हैं। और इस बार तो आधा ही ट्रैक्टर हुआ है, लास्ट बार हमारे पास कम से कम 2 ट्रैक्टर हुए थे, इस बार ये आधा ही हुआ क्योंकि बारिश की वजह से लेट बोने के कारण ये इतना हो नहीं पाया। तो जैसे परमेश्वर की कृपा, लास्ट बार हमारे 2 से 2.5 ट्रैक्टर हुए थे जुआर के और इस बार आधा ट्रैक्टर हुआ है। तो आप देख रहे हैं अभी पूरा अभी इसको बांध रहे और घर पे ले जा रहे हैं। और इस तरह से हमने ये अभी पूरा चारा जो था वो इधर लेके आ गए। और ये हमारे खेत में ये बुलेट नेपियर है और ये जो सुपर नेपियर बोलते हैं जुआर काटने से बार बार जो बढ़ती है वो। और इसमें भी अभी देखिए ये आप, अभी दाने आने को बाकी है और इसको हम अभी थोड़ा पकाएंगे ताकि बीज हो सके और वही बीज को डाल सके। तो अभी इसको थोड़ा काटने के लिए छोड़ दिया है, ये पूरा पक जाएगा तो इसके ऊपर जो है ये उसके बीज ये हम यहाँ से काट लेंगे और इसको सूखा देंगे। और ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का घास है जो 3 साल तक चलता है। और जब बीज चाहिए तो आप इसको कंटिन्यू काटने का बंद कर देंगे 15-20 दिन के बाद, तो इसमें बीज भी आएंगे तो बीज भी आप ले सकते हैं। और ये पूरा सब गायों के लिए हरा चारा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी भी हमारे चैनल में यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।
आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।